तो बजट पर चर्चा पर सियासी वार पलटवार, आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का सदन में जवाब और सीधे अब रुख करते हैं खास मेहमानों का। रोहन गुप्ता जी, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है विकसित भारत के लिए ये बजट, लेकिन विपक्ष बार बार ये कह रहा है सर 24 चुनाव के नतीजों के बाद ये पहला बजट सरकार के पास मौका कोर्स करेक्शन भूल सुधार का, और विपक्ष कह रहा है ये मौका आप लोगों ने गवा दिया। सर देखिए रोमाना जी, विपक्ष क्या कहता है उससे ज्यादा ये देखना है देश की जनता क्या कहती है। जब बजट आया उसके बाद में एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया विपक्ष के द्वारा, और ये बताया गया कि बजट में किसी के लिए कुछ नहीं है। इसका जवाब तो जनता ने दे दिया। आप स्टॉक मार्केट देख लीजिए, जो सरकार विपक्ष आक्षेप कर रहा था कि ये बजट आने से स्टॉक मार्केट डाउन होगा या जनता नाराज है, आज जवाब तो जनता ने दिया है। तो मेरा ये कहना है कि सिर्फ आक्षेप करने से राजनीति नहीं होती, आपको समझना पड़ेगा कि बजट ने क्या किया है। 10 साल में अगर ये पूरी सरकार का कार्यकाल देख लीजिए, 7% से ज्यादा का ग्रोथ है, इन्फ्लेशन 4.5% से कम है, फिस्कल डेफिसिट की बात कर रहा हूं जो बहुत बड़ा पैमाना है कि सरकार जो बोलती है वो करती है कि नहीं, 4.9% पे लेके गई, और फिर भी आप सवाल उठा रहे हैं। और जहां पे एक दो राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं उसका मैं एग्जांपल दे दूं, कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी का शासन आया, वहां पे उन्होंने गारंटी दी, वहां पे देखिए टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल के ऊपर वैट बढ़ा दिया गया, दूसरे टैक्सेस बढ़ाया गया। तो हकीकत कहां पे आप देखिए, ये एक 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 सीरियसनेस दिखाती है विपक्ष की कि हर चीज पर सवाल उठाना। ठीक, जहां पे आप किसानों की बात कर रहे हैं, 2.5 गुना ज्यादा पैसा MSP के माध्यम से किसानों को मिला है, 18 लाख करोड़, ये मुर्मू जी ने कहा है अपने अपने वक्तव्य में, 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का उनको किसान जो फसल बीमा मिला है, 2.5 लाख करोड़ का किसान सम्मान निधि मिला है। तो सिर्फ बातें करने से नहीं होती रोमाना जी, आप आंकड़ों पे बात कीजिए, संसद में हम बात करते हैं, देश की जनता देखती है, सिर्फ बातें करने से या भाषण देने से संसद में काम नहीं होता है, आपको आंकड़ों से बात करनी होगी, और मैं चैलेंज के साथ आंकड़ों पे बात करने को तैयार हूँ। हाँ, वो किसान की बात करें, मध्यम वर्ग की हम सर, बात आलोक करें, जी बैठे हुए महिलाओं की बात, वो आंकड़ों के साथ ही बात करेंगे, और आलोक जी से जान लेते हैं जो रोहन जी कह रहे हैं कि साहब बजट तो बढ़िया है, शानदार है, तो क्या इसी वजह से आलोक जी ये बजट की बात पीछे छूट गई है और हलवे की एंट्री हो गई है, और बजट नहीं तो हलवा ही सही, मतलब चर्चा किसी भी तरीके से घूम फिर कर जाती पर लाई जाए? देखिए ऐसा नहीं है, उसमें केवल ये सिंबॉलिक था हलवा, और हलवे से तात्पर्य केवल जाति तक नहीं था, हलवे से तात्पर्य ये भी था कि किस राज्य को क्या मिला और किस वर्ग को क्या मिला, और उसमें पूरा एक एक वर्ग के बारे में बताया गया, खासतौर पर मिडिल क्लास के लिए। मुझे लगता है उनकी EMI तो घटी गई होंगी, काफ़ी घट गई होंगी ऐसा मुझे लग रहा है। उसी दिन जिस दिन बजट आता है उस दिन अगर देश की करेंसी गिर जाती है और उस दिन शेयर मार्केट टूटती है बुरी तरह से, सुबह के और शाम के आंकड़े, रोहन जी तो काफ़ी जानकार हैं शेयर मार्केट के, बाद में आप जैसे मर्जी उसको मैनिपुलेट कर लीजिए, वो एक बहुत बड़ा सिंबल होता है। आज जिस तरह से 10 साल से ये सरकार बाजीगरी करती है शब्दों की और चक्रव्यूह में फंसा कर सबको मारती है, वो पूरा देश देख रहा है। किसानों को भी चक्रव्यूह में फंसा रखा है, आंकड़े ऊटपटांग देते चले जाइए। अभी उन्होंने कहा फसल बीमा ही 1.5 लाख करोड़ रुपया दे दिया है, मुझे तो नहीं लगता कि 1.5 लाख करोड़ रुपया कौन सी फसल बीमा किस राज्य में चला गया और किस कंपनी ने दे दिया। मुझे अगर कहीं पर अल्प ज्ञान है तो ज़रूर बताया जाए कि 1.5 लाख करोड़ रुपया बीमा का पैसा एग्रीकल्चर में मिला है, मुझे तो बड़ा चौंकाने वाला जवाब देना चाह रहे हैं सर। जवाब MSP की बात आई, ये फसल बीमा वाला 1.5 लाख करोड़ का जो आपको हैरानी हो रही है, मैं जी इस पर स्पेसिफिक जवाब दे दीजिए, फिर मैं दोबारा आलोक जी आपके पास आ रही हूँ। रोहन जी जवाब है आपके पास? रोमाना जी, जब राष्ट्रपति जी का अभिवादन हुआ उन्होंने भाषण दिया, 30,000 करोड़ का प्रीमियम पे किया है और उसके सामने 1.5 लाख करोड़ के जो बीमा क्लेम मिले हैं, ये आधिकारिक आंकड़ा है, उनको स्टेट वाइज ये तो भी मैं दे दूंगा, राष्ट्रपति का अभिभाषण पढ़ ले, तो जो मैं बात करूंगा कॉन्क्रीट बात करूंगा रोमाना जी, कभी मुझे हवा में बात करने की आदत। ठीक है आलोक जी, सुना आपने जवाब। मैं फिर कहूंगा इस आंकड़े को दोबारा चेक कर लिया जाए, क्योंकि BJP रोहन जी अभी नए नए वहां गए हैं, BJP व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के आंकड़े बहुत परोसती है दुनिया को। खैर वापस आते तो राष्ट्रपति का अभिभाषण से आंकड़ों का, ये राष्ट्रपति जी का है और मुझे लगता है उसमें सवाल ना पड़े। मैं फिर कहूंगा अरे मैडम देश के प्रधानमंत्री लाल किले से झूठ बोलते हैं, धारा 370 हटा दी मैंने, नहीं बोलते हैं, हर साल बोलते हैं 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ मैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को देता हूँ, लेकिन मीडिया के साथ इनसे सवाल ही नहीं पूछते कि वो पिछले जो भाषण में दिया था वो कहाँ गया पैसा,
वो लगा के नहीं लगा कोई पूछता नहीं है। तो मुझे लगता है कि झूठ बोलने की तो मशीन है पूरी की पूरी सरकार, और राष्ट्रपति महोदया तो बेचारी कैबिनेट का जो भाषण होता है उसको पढ़ देती हैं। एक कैबिनेट मंत्री कहता 33 करोड़ हमने मुद्रा लोन दे दिए प्रधानमंत्री, और दूसरे मंत्री कहते हैं कि 44 लाख करोड़ दे दिए। तो मुझे नहीं लगता कि इनके आंकड़ों में कहीं पर भी कोई भी तारतम्यता रहती है। किसान को हमने ये दे दिया वो दे दिया, अरे किसान की इनपुट कॉस्ट कितनी बढ़ गई, किसान की कितनी महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल और डीजल के दाम कहाँ चले गए, यूरिया के कट्टे पर आपने कैंची चला दी। प्रधानमंत्री किसान न्याय योजना में आपने कहा हमने इतना पैसा दे दिया, पहली बार जब पैसा दिया तो 13.5 करोड़ को दिया था और आखिरी जो किस्त गई है वो 6.5 करोड़ की। तो क्या हिंदुस्तान में आधे से ज़्यादा किसान हो गए, लेकिन उस बात को छुपा जाएंगे। हम तो पूछ रहे हैं भाई बजट आया तो महंगाई कैसे कम होगी, तो मोदी जी ने तो बार बार कहा था 100 दिन का एक्शन प्लान तैयार है और सब लोगों ने बताया भी था। वो 100 दिन का एक्शन प्लान तो 100 दिन हो गए पूरे, कौन सा एक्शन प्लान किसने देखा। बेरोजगारी की बात आई बार बार आपने, महिलाएं जो किसानी में काम कर रही हैं उनको भी रोजगार के उस पर जोड़कर आपने आंकड़े चढ़ा दिए। आपने पर कैपिटा इनकम के नाम पर जो 5 किलो राशन मिल रहा था उस राशन को भी आपने उसमें उसकी कीमत जोड़ दी। तो आप आंकड़ों की बाजीगरी करते हैं, ये पूरा देश देखता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।